दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी के लिए फॉर्म को कैसे भरते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि 30 दिनों के भीतर जानकारी ना मिले तो इसकी अपील कहां और कैसे करते हैं। यदि 30 दिनों के अंदर आपको जानकारी नहीं मिलती तो इसमें दो प्रकार से अपील की जाती है, प्रथम और द्वितीय अपील। आज हम प्रथम अपील के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रथम अपील उसी कार्यालय के प्रमुख अधिकारी के पास की जाती है जहाँ पर आपने पीआईओ को आवेदन किया था। यह प्रथम अपील का फॉर्मेट है। कई राज्यों में प्रथम और द्वितीय अपील का फॉर्मेट एक जैसा रहता है। आगे वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। जब आप यह प्रथम अपील करते हैं तो आवेदनकर्ता और पीआईओ अर्थात जन सूचना अधिकारी दोनों को बैठालकर जानकारी के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। पीआईओ अपना पक्ष रखते हैं कि जानकारी क्यों नहीं दी, क्या यह जानकारी गोपनीय थी या तीसरे पक्ष से संबंधित थी, इत्यादि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। और फिर इस विचार विमर्श में दो बातें होती है। पहली यह की प्रथम अपील अधिकारी पीआईओ को यह निर्देश देते हैं की आप 8-10 दिनों के अंदर आवेदनकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराएं, और यदि इसके पश्चात भी आवेदनकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो फिर द्वितीय अपील की जाती है। यह द्वितीय अपील राज्य स्तर पर राज्य सूचना अधिकारी को की जाती है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो हम वापस इस आवेदन पत्र पर आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यह फॉर्मेट और इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा के फॉर्मेट की भी लिंक दे रखी है, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कर लें। प्रथम अपील करते समय इस फॉर्म में कुल 8 प्रकार की जानकारी हमें भरना होती है, और ये जो नीचे दस्तावेज की एक सूची दिख रही है जिन्हें आपको अपील करते समय अटैच करना होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हम इस फॉर्मेट को थोड़ा जूम आउट करके इनलार्ज कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखने लगे। सबसे पहले तो आपको कार्यालय का नाम लिखना होता है। यहाँ पर कार्यालय का नाम वही आता है जहाँ पर आपने पहले पीआईओ को आवेदन किया था। अब सर्वप्रथम आपको अपीलार्थी का नाम और पता लिखना रहता है, और दूसरे में आपको उस पीआईओ का नाम और उसका पूरा पदनाम लिखना रहता है जहाँ पर पहले आपने आरटीआई के तहत आवेदन लगाया था। और तीसरे वाले कॉलम में आपने पूर्व में जो आवेदन लगाया था उसका क्रमांक लिखें, यदि आपके पास कोई हो इसे भर सकते हैं। अब चौथे वाले कॉलम में अपील किए जाने का संक्षिप्त तथ्य लिखना रहता है, इसमें आप वही लिखिए जिस संबंध में आपने जानकारी चाहिए थी। पांचवे में अपील का आधार, इसमें अपील के आधार में आपको यह लिखना होता है कि मैंने जानकारी मांगी थी और मुझे 30 दिनों के अंदर भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। और छठवे में अन्य विवरण यदि कोई हो, और सातवें में आपका एक एफिडेविट रहता है जिसमें आपको अपना नाम लिखकर यह बताना होता है कि मेरे द्वारा जानकारी पूर्णतः सत्य है और इसके साथ साथ मैंने इस विषय पे कहीं और अपील नहीं की। तत्पश्चात आप यहाँ स्थान, दिनांक और समय भी लिख दें। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस अपील के साथ लगाना होता है। सबसे पहले तो आपको एक सूचना पत्र दिया जाता है जब आपने सूचना का अधिकार की जानकारी चाहिए थी। इसके लिए आप मेरा यह पहले वाला वीडियो देख लें। और दूसरे में आपको वह आवेदन लगाना होता है जो पूर्व में आपने प्रस्तुत किया था। और तीसरे और चौथे कॉलम की जानकारी प्रथम अपील में शून्य रहती है। हाँ, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपील करें तो इसे 2 प्रतियों में करें। तो इतना ही था आज का वीडियो। यदि इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, ऑफकोर्स मिली होगी, तो इसे लाइक अवश्य करना, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और मनरेगा के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस, इसे अवश्य जुड़ें। इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नमस्कार।